आगे उत्तर भारत में शीतलहर का जबरदस्त कहर, राजधानी दिल्ली में 2 डिग्री तापमान का तांडव। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, अगले 48 घंटों में कई जगह बारिश के आसार। यूपी हरियाणा समेत कई मैदानी इलाकों में बरसात संभव है, तो ठंड का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी कर दी है कि अगले 48 घंटों में कई जगह बारिश हो सकती है, तो यूपी हरियाणा समेत कई मैदानी इलाकों में बरसात संभव है। उत्तर भारत में शीतलहर का जबरदस्त कहर, राजधानी दिल्ली में 2 डिग्री तापमान का तांडव। मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी कर दी है। शीतलहर का असर बना हुआ है, जिसके चलते ठंड सुबह और शाम को लोगों को परेशान कर रही है, और कहीं ना कहीं तेज धूप निकलती है तो ठंड से कोई ना कोई राहत लोगों को मिलती है। और बातचीत भी करेंगे, हमारे साथ कुछ लोग भी बने हुए हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम मदन लाल अरोड़ा। इस तरह के जो सुबह शाम की ठंड पड़ रही है, तो कितनी परेशान है आप? बहुत परेशान है, घोट जाम हो रहे हैं, टांगे जाम हो रही हैं, चलने फिरने में दिक्कत आती है, थोड़ी दिन में धूप निकलती है तो फिर कुछ राहत मिलती है, बाकी तो बहुत रात को तो टांगे सुखड़ जाती है, अकड़ जाती हैं, वो चला नहीं जाता, तो काफ़ी दिक्कतें आती है जब रात को ठंड होती है ज़्यादा है। हाँ जी बहुत ठंड है, बहुत ठंड है आपके बारे। हाँ, और भी बात करेंगे भाई साहब, क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार गौतम। गौतम जी, क्या कहेंगे जिस तरह से सुबह शाम की जो ठंड है, कितनी परेशानी में लोग? बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से हम ड्यूटी के टाइम पर लोग जाम लग जाता है, लेट पहुँचते हैं, और उसके अलावा हमारे ट्रांसपोर्ट का काम भी है, ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ भी धुंध के कारण 8-8, 15-15 घंटे लेट पहुँच रही हैं, पार्टियों का माल भी नहीं टाइम से पहुँच पा रहा है। हाँ जी। अगर बात करें, आप एक तरह का किसान भी हो, आप खेती भी करते हो, कौन से ठंड में कौन सी फसल के लिए सही है? ये आलुओं को तो ये सत्यानाश कर दिया, आलुओं पर ठंड पड़ गई है। इधर सरसों के लिए नुकसानदायक बहुत ज़्यादा है, अभी क्या नाम गेहूं के फसल के लिए थोड़ा सा फायदा है बस, और किसी कोई फायदा नहीं है कहीं। अगर ज़्यादा पारा पड़ता है जी, तो सरसों की फसल में कितना नुकसान झेलना पड़ेगा? सरसों की फसल ज़्यादा पारा पड़ता है तो 50% रह जाएगी। 50% रह जाएगी? हाँ जी। तो आलू और बैंगन और इनकी आलू पे तो पाला अभी पड़ चुका है, जो पीछे ठंड 5-4 दिन पहले जो पड़ी है उस पर आलू में पारा पड़ा है, तो जो अब जो उसकी जो ऊपर जो आल होती है आलुओं की, वो सारी खत्म हो गई है, और जो बढ़वार है वो खत्म, वो वहाँ के में रह जाएगा आलू केवल। धूप निकली है, कितने राहत देख रहे हो? बहुत बढ़िया। अब सुबह शाम की कितनी ठंड है? ज़्यादा तो दिक्कत है सुबह शाम की, बिल्कुल है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लोगों ने साफ तौर पर बता रहे हैं कि जब सुबह और शाम को अधिक ठंड पड़ती है, जिससे कि हमारी परेशानी बढ़ जाती है, और कहीं ना कहीं जब धूप निकलती है धूप में तो हमारी थोड़ी बहुत ठंड से राहत मिलती है, और वहीं जब किसानों के लिए बात की थी, जिस तरह के उन्होंने किसान के लिए बताया है कि जो अधिक पारा पड़ेगा तो आलू की सब्जी और गोभी की सब्जी, जो बैंगन की सब्जी है और टमाटर की, काफ़ी प्रभाव उन पर पड़ेगा, नुकसान को झेलना पड़ेगा, और गेहूँ की फसल और जो सरसों की जो फसल है, अगर ज़्यादा अधिक पारा पड़ता है तो उनके भी नुकसान झेलना पड़ेगा। जितेंद्र बेनीवाल, हरियाणा न्यूज, फरीदाबाद। लोग जो है वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए कड़ी मशक्कत का सामना करेंगे, तो लोग परेशान होंगे ही, और करीब 3 से 4 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी लंबी कतारें हैं। जाम की वजह से काफी व्यक्ति जो है यहाँ पर परेशान नजर भी आए हैं। नो एंट्री के चलते कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है, और ये तस्वीर जो है वो खबर से जुड़ी हुई, वो आप देख पा रहे होंगे। गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है, करीब 3 से 4 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें। तो बताएं कि जाम की वजह से लोग बेहद परेशान हैं, हालांकि लोगों को अपने स्थान तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। किसी व्यक्ति को अपने ऑफिस जाना है तो किसी को किसी काम के लिए जाना है। मेरे सहयोगी संजय जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट?
जी बिल्कुल साधना, मैं आपको बताना चाहूंगा गुरुग्राम के नेशनल नंबर हाईवे 8 पर कहीं ना कहीं जो जाम है वो एक भयानक रूप लेता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से नोएंटी पुलिया उसके बाद कहीं ना कहीं एक लंबा जाम जो दिल्ली जयपुर हाईवे उस पर लगना शुरू हो गया। मैं बात करूं तो हिरोंडा चौक से लेकर सिग्नेचर टावर तक ये पूरा लंबा जाम है, क्योंकि जहां गाड़ी रफ्तार बढ़ती है वहीं कहीं ना कहीं आप रेंगती नजर आ रही है। ये एक बड़ा कारण है कि गुरुग्राम की जनता को काफी परेशानी तो हो रही है, वहीं पर जो दूर दराज से या फिर अन्य प्रदेश या अन्य जगह से जो लोग आ रहे हैं वो भी इस जाम में फंसने की वजह से काफी परेशानी उनको उठानी पड़ रही है, क्योंकि अब गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी प्रयास यही किए जा रहे हैं कि इसको स्मूथ किया जाए इस ट्रैफिक को, क्योंकि जहां रफ्तार गाड़ियां बढ़ती हैं वहां कहीं ना कहीं अब रेंगती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से हाईवे के ऊपर एक लंबा जो जाम है वो देखा जा सकता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं हम 26 जनवरी की भी बात करें, कहीं ना कहीं 26 जनवरी के चलते भी एहतियातन तौर पर जो चेकिंग है वो भी कहीं ना कहीं की जा रही है, और इसी के चलते ये लंबा जो जाम है अब कहीं ना कहीं और लंबा बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल संजय, बात की जाए तो हालांकि लोग जो हैं वो काफी परेशान भी होते हुए नजर आ रहे होंगे, क्या लोगों से आपकी बातचीत हुई है? जी साधना, बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज है, जब हाईवे के ऊपर जब ट्रैफिक रुक जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी तो होती है, क्योंकि जहां पर गाड़ी जो एक तय स्पीड औसताना हम बात करें 80 से 100 स्टार से गाड़ियां चलती हैं, और वहीं पर जब वो रेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी होती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं आज की जो ये ट्रैफिक जाम है तो करीबन 3 से 5 किलोमीटर लंबा जाम ये गुरुग्राम में लगा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से NH8 की मैं बात करूं हिरोंडा चौक से लेकर सिग्नेचर टावर